नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें। मुख्य समाचार दोस्तों आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी दोस्तों खुले तौर पर इंडिया गठबंधन राहुल गांधी और केजरीवाल के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों #VSupportIndia वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया और अब कांग्रेस के फ्रीज बैंक खाते का मुद्दा उठाया है। भारत के मामलों पर एक बार फिर से बोला है अमेरिका, आप लोगों को बताते चलें। इस पर हर भारतीय को नजर रखनी चाहिए कि भाजपा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की लोकतांत्रिक छवि को खराब कर रही है। बताते चलें, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट मैथ्यू मिलर का बयान आया कि हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अभियान को रोकने के लिए उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, हम इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। ये अमेरिका का बयान दोस्तों सामने निकल के आया है पूरे मामले में, यानी कि दुनिया भर में लगातार मोदी सरकार की हो रही है किरकिरी। इसके साथ ही दोस्तों खबर आ रही है, दिल्ली एलजी के बयान के बाद में एक नई बहस शुरू हो गई है, राष्ट्रपति शासन लगेगा या सीएम पद से हटेंगे केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या जेल से सरकार चला सकते हैं, इसको लेकर के कई दिनों से बहस जारी है। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बयान से एक और नई बहस शुरू हो गई है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने साफ किया है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती है। एक कार्यक्रम में सक्सेना ने कहा है कि मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। और वहीं दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चलें, एलजी सक्सेना की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब हाल ही में ईडी की हिरासत से ही सीएम केजरीवाल ने दो सरकारी आदेश जारी किए हैं। और इतना ही नहीं, बीजेपी के द्वारा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की बात पर केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 और जीएनसीटीडी अधिनियम का हवाला दिया है। आतिशी ने कहा है कि विपक्षी दलों और नेताओं खास करके अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाने के लिए ईडी सीबीआई और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का फायदा उठाया जा रहा है भाजपा की तरफ से। आतिशी ने कहा है कि देश का कानून बहुत ही स्पष्ट है कि राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जा सकता है जब कोई अन्य विकल्प मौजूद ना हो। इतना ही नहीं दोस्तों, उपराज्यपाल के पास में केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है क्योंकि दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास में पूर्ण बहुमत है। ऐसा कोई कानूनी या संवैधानिक प्रावधान नहीं है जो उपराज्यपाल को केवल मुख्यमंत्री की कैद के आधार पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को बर्खास्त करने की अनुमति देता हो। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिल्ली के अंदर अब यहां पर और भी घमासान देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, बताते चले, चुनाव से पहले केरल में भी सक्रिय हो चुकी है ईडी। सीएम पिनराई विजयन की बेटी वीणा के खिलाफ में दर्ज किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग का केस। आप लोगों को बताते चले, केरल में 20 लोकसभा की सीटें हैं, बीजेपी का सूपड़ा साफ होना तय है केरल के अंदर, इसलिए वहां पर एजेंसियां एक्टिव की जा रही हैं। केंद्रीय लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने केरल में भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। ईडी ने केरल के सीएम पिनराई विजयन की बेटी वीणा विजयन के खिलाफ में मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया है। ये यहां पर खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। इसके साथ ही एक और चौंकाने वाली जानकारी आ रही है राजस्थान से, जहां पर बीजेपी की चुनाव के दौरान तानाशाही देखने को मिल रही है। हार से भयभीत बीजेपी के लोग चुनाव में क्या क्या करेंगे और कितना गिरेंगे, डोटासरा ने हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया है कि स्थानीय प्रशासन ने बीकानेर में पार्टी नेताओं का हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं दी। वहीं बीकानेर प्रशासन ने इस आरोप का खंडन किया है। बताते चलें आप लोगों को, डोटासरा ने कहा है कि बैंक खाते फ्रीज किए गए रैली में पहुंचने से रोका जा रहा है। हार से भयभीत बीजेपी के लोग चुनाव में क्या क्या करेंगे, इसके साथ ही
उन्होंने आगे लिखा है कि हेलीकॉप्टर से चूरू से बीकानेर जाने की अनुमति होने के बाद भी डरपोक प्रत्याशी ने तानाशाही से दबाव डाल करके अड़ंगा लगा दिया। कितने ही प्रयास कर लो, बीकानेर में मोरिया बोलेगा, ये यहां पर खबर सामने निकल के आई है। बीजेपी की आचार संहिता के दौरान भी तानाशाही देखने को मिल रही है, चुनाव आयोग खामोश बैठा हुआ है, ये यहां पर खबर है राजस्थान से। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से फिलहाल कोई भी राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर 2 अप्रैल तक ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा है। 3 अप्रैल को आगे की सुनवाई होगी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने ईडी को जवाब देने के लिए समय दिया है दोस्तों। इसके साथ ही पूरे मामले पर अब 3 अप्रैल को आगे की सुनवाई होनी है हाई कोर्ट के अंदर। इसके साथ ही अपडेट आ ही है दोस्तों चौंकाने वाली, जहां पर आईएलओ की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि भारत में 83% बेरोजगार है युवा। साल 2000 में पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों की संख्या कुल युवा बेरोजगारों में 35.2% ही थी, लेकिन साल 2022 में यह बढ़कर के 65.7% हो गई। देश में तेजी से घट रही है लोगों की इनकम। ये यहां पर दोस्तों रिपोर्ट के माध्यम से खुलासा हुआ है कि भारत में 83% युवा बेरोजगार हैं। ये रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली है, मोदी सरकार की सच्चाई भी लाती है सामने ये रिपोर्ट दोस्तों, कि कैसे यहां पर कुछ चुनिंदा उद्योगपति दिन पर दिन अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश की जनता गरीब होती जा रही है, लोगों की इनकम ही घट रही है। इसके साथ ही खबर आ रही है इंडिया गठबंधन की दिल्ली में 31 मार्च को रैली होगी। यह लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने के लिए दिल्ली से आवाज उठेगी। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अरविंदर सिंह लवली ने कहा है, जैसा कि हमने पहले कहा था कि इंडिया अलायंस की रैली 31 मार्च को होगी, यह लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने के लिए दिल्ली से आवाज उठेगी, जो हमारे प्रमुख नेताओं के द्वारा समर्थित होगी। हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में अपने सभी गठबंधन सहयोगियों के साथ में मजबूती से खड़े हुए हैं। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता का बयान सामने निकल के आया है। 31 मार्च को ये मेगा रैली होने जा रही है। इस रैली में इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता जुटेंगे। इसके साथ ही खबर आ रही है दोस्तों, मुरादाबाद से रुचि वीरा, रामपुर से नदवी होंगे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। एसटी हसन का पत्ता कटा है। रामपुर और मुरादाबाद सीट पर नामांकन को लेकर के दिन भर भ्रम के हालात के बाद आखिरकार समाजवादी पार्टी ने शाम को रुचि वीरा और यहां पर रामपुर से नदवी को अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मुरादाबाद से वर्तमान सपा सांसद एसटी हसन का पत्ता कट गया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव के लिए एक और सूची जारी की है। 14 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने कुल 14 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। लिस्ट में झारखंड की 3, मध्य प्रदेश की 3, तेलंगाना की 4 और उत्तर प्रदेश की 4 सीट पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। समय के दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार थे दोस्तों, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर ना है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।